फाल्गुन माह में आने वाली है एक और एकादशी। भगवान विष्णु को समर्पित ये एकादशी है आंवला की एकादशी, जिसे आंवला या आंवलक्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कहते हैं आंवलक्य एकादशी का व्रत रखने वाले को जीवित रहते सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में परम स्थान मिलता है। लेकिन कब रखा जाएगा आंवला एकादशी का व्रत और इस बार क्यों है आंवला एकादशी की तिथि को लेकर इतना कंफ्यूजन, चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में एकादशी का बड़ा महत्व है और फाल्गुन माह में आने वाली आंवला एकादशी का हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व है। इस एकादशी में भगवान विष्णु जी के अलावा भगवान शिव पार्वती की पूजा का विशेष विधान है। मान्यता अनुसार हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में आंवले को श्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है आंवले में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले के वृक्ष में श्री हरि और लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत रखने वाले लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करते हैं। मान्यता चली आ रही है कि आंवला की एकादशी का व्रत सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य और समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाला है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। माना जाता है आंवला की एकादशी व्रत के प्रताप से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो मोक्षदायिनी और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाली आंवला की एकादशी 20 मार्च को है या 21 मार्च को। तो मित्रों, इस कंफ्यूजन को दूर करें क्योंकि आंवला की एकादशी या आंवला एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर जाकर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार आंवला की एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। आंवला की एकादशी के दिन पूजा मुहूर्त का शुभ समय है 6:25 से प्रारंभ होकर ये मुहूर्त 9:27 तक रहेगा और पारण की बात करें तो आप व्रत का पारण 21 मार्च 2024 1:41 से 4:07 तक कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं आंवला की एकादशी की पूजा विधि। आंवला की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहने, आंवले के पेड़ के नीचे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और पूजा का स्थान बनाएं। इस दिन आंवले के पेड़ में जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत, फूल, पान का पत्ता, सुपारी अर्पित करते हुए ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए ये सभी सामग्री अर्पित करें। मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाएं और फिर आंवला की एकादशी की कथा पढ़ें और सुनें। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। व्रत के पारण के समय आंवले का दान जरूर करें। मित्रों, अगर आप में से कोई ऐसे भक्त भी हैं जो एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे जातक भी आंवले का दान करके आंवला की एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आंवला की एकादशी आ रही है, आप में से कौन कौन विष्णु भक्त रखने जा रहे हैं इस एकादशी का व्रत कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।